संसार में जितने मनुष्य हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, बिल्कुल एक समान प्रकृति के दो मनुष्य भी मुश्किल से मिलते हैं। इसी कारण से भगवान प्राप्ति के जितने साधन हैं वह भी अनेक, हर साधन हर मनुष्य के लिए नहीं होता, हर मनुष्य की प्रकृति के अनुसार उसको भगवान प्राप्त करने का साधन चुनना चाहिए, तभी वह उसमें सफल हो सकता है। यदि दूसरों को देखकर वह किसी रास्ते पर चलेगा तो हो सकता है पूरा न कर। वैसे जितनी साधनाएं हैं उनको हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, तीन श्रेणियां बना सकते हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वह कर्म, उपासना और ज्ञान की श्रेणियां हैं। जो साधन ऐसे हैं कि जिसमें हम इंद्रियों से काम लेते हैं, मन सहायता करता है, उनको हम कर्म योग की साधना कहते हैं। इसमें वह सब आते हैं जहां हम कुछ न कुछ काम करते हैं, जैसे आसन है, प्राणायाम है, भजन कीर्तन है, मंदिर जाना है, रामायण पढ़ना है, किसी महात्मा के उपदेश सुनना, यह सब जाप करना इत्यादि इसी में आते हैं। दूसरी श्रेणी उपासना कहलाती है, वह जैसा नाम है उपासन, आमने सामने भक्त और भगवान बैठते हैं। यहां पर थोड़ा नाम का भेद है, जब हम साकार भगवान को लेते हैं तो यह भक्ति कहलाती है, जब निराकार को लेते हैं तो उपासना कहलाती है। यहां पर मुख्य काम मन द्वारा होता है, बुद्धि उसमें सहायता देती है, इससे मन निर्मल और स्थिर और शांत बनता है। तीसरे प्रकार की साधना ज्ञान योग की साधना कहलाती है, वहां केवल बुद्धि कार्य करती है और उसी की निर्मलता प्राप्त होती है। इन तीनों प्रकार की साधनाओं का फल भी अलग अलग है। जल में अगर आप एक पत्थर डाल दें तो वह ऊपर से भीग भी जाएगा और शीतल भी हो जाएगा, परंतु जैसे ही उस पत्थर को आप बाहर निकालेंगे वह बाहर के हवाओं वगैरह से जल्दी ही सूख जाता है और फिर गर्म भी हो जाएगा। ऐसे ही कर्मयोग की साधना जितनी देर हम करते हैं हमको आनंद अनुभव होता है, सुख शांति मिलती है, परंतु अक्सर देखा जाता है कि जब तक मंदिर में हम रहते हैं हमारा भाव भगवान के प्रति रहता है, परंतु जैसे ही बाहर निकले संसार में आ जाते हैं। तो कर्मयोग की साधना का फल ऐसा ही होता है। दूसरे प्रकार की साधना वह है, जैसे हम भुनी हुई रुई ले लें और जल में डाल, वह अंदर तक भीग जाती है, जब उसको बाहर निकालेंगे तो उसको पूरा सूखने में बहुत समय लगेगा। इसी प्रकार उपासना या भक्ति करने से वह जो उसका आनंद है बहुत समय तक कायम रहता, पर वह भी एक समय सूख जाता। तीसरे प्रकार की साधना वह है, जैसे जल में हम नमक डाल, वह पूर्ण रूप से घुल जाएगा और फिर अलग करना मुश्किल कार्य। तो
तो तीनों प्रकार की साधनाओं का फल अलग अलग है। पूज्य पंडित जी कहते थे कि परमात्मा से मिलना और परमात्मा में मिलना, यह दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रथम दो प्रकार की जो साधनाएं हैं, कर्म और उपासना, वह परमात्मा से मिलाती, परंतु तीसरे प्रकार की साधना परमात्मा में मिलाती, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म योग की साधना से हम पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप जाप करें तो अक्सर देखा जाता है कि जाप बताने वाले गुरु कह देते हैं कि 1.25 लाख जाप करना, 5 लाख जाप करना, और साधक उसमें लग जाता, परंतु वह एक गलती करता है। हो सकता है गुरु उनको न बताएं, लेकिन होना क्या चाहिए कि नाम और रूप दोनों साथ साथ चलते। जब जाप करते हैं तो रूप भी सामने रहना चाहिए, उस मंत्र का इष्ट भी रहना चाहिए और मंत्र का जाप भी चलना चाहिए। एक समय आएगा जब जाप करते करते आपकी इंद्रियां शिथिल होकर बैठ जाए, उस समय जाप मन द्वारा होगा और धीरे धीरे मन भी जाप करते करते शांत हो जाता है, फिर उस जाप की जो इष्ट है, उसकी शक्ति है, उसका ज्ञान हमको प्राप्त होने लगता है। परंतु साधक एक गलती करते हैं कि अगर उनके गुरु ने कह दिया कि 1.25 लाख जाप करो, तो उनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं रहता, केवल 1.25 लाख की गिनती पूरी करने रह जाता। इसी कारण से जाप करने में वह लाभ नहीं प्राप्त हो पाता जो होना चाहिए। अब एक बात और सोचने की है कि अगर नमक की कोई डेली हम लें तो पानी में तभी घुलेगी जब वह स्वच्छ हो, निर्मल। अगर नमक की डेली पर कोई गाढ़ा तेल हम लगा दें तो पानी में डालने के बाद भी वह घुलती नहीं। उसी प्रकार जब हम साधना करते हैं तो परमात्मा में मिलने के लिए हमको पूर्ण निर्मलता की आवश्यकता है, जैसा मैंने कल भी कहा। जब तक हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार सब निर्मल नहीं होते, तब तक हम उसमें मिल नहीं सकते। अब तेल लगना क्या है नमक के ऊपर? वह हमारे संस्कार। मनुष्य कर्म योनि में पैदा हुआ, उसको हर समय कर्म करना, और कर्म करेगा तो उसका संस्कार भी बनेगा। यह प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत, रज और तम। हमेशा मनुष्य इसमें से एक के प्रभाव में रहता है। यदि वह सत के प्रभाव में है तो रज और तम उसके ऊपर बहुत कम प्रभाव डाले। जिस समय वह रज के प्रभाव में होगा, सत और तम का प्रभाव नगण्य हो। इस तरह से हर समय एक गुण का प्रभाव अधिक होता है, 2 का कम होता है। तो जो हम कर्म करते हैं वह इन गुणों के प्रभाव में ही करते हैं। यदि कोई गुण हम तम के प्रभाव, कोई कर्म हम अगर तम के प्रभाव में करेंगे तो उसका जो संस्कार बनता है उसको शास्त्रीय भाषा में मल कहते हैं। इसी तरह से रज के प्रभाव में जो कर्म किया जाता है उसको विच्छेद कहते हैं, और सत के प्रभाव में जो कर्म होता है उसके संस्कार को आवरण कहते हैं। इसमें साधना द्वारा सबसे पहले मल और विच्छेद दूर होते हैं, और आवरण जो सत का प्रभाव है वह सबसे देर में।
दूर। जब यह तीनों प्रकार के संस्कार दूर हो जाएंगे तभी हम इस काबिल बनेंगे कि परमात्मा से मिल सके, परमात्मा में मिल सके। इन संस्कारों को दूर करने के लिए ही साधना की जाती है। कोई भी साधना है वह इसीलिए होती है कि हम अपने पुराने कर्मों के संस्कार साफ कर सकें। जैसा कल मैंने बताया था, अपने यहां की साधना में भी प्रथम आनंद मिलता है जब हमारा मन सारे विचार छोड़कर परमात्मा के प्रकाश रूप पर ध्यान लगा। परंतु धीरे धीरे यह प्रकाश भी गायब हो जाता है और गुरु की शक्ति उन संस्कारों को साफ करने लगती है जो हमारे अंदर इकट्ठे, और इसी कारण से वह दिखाई भी देने लगती। तो साधना के द्वारा जब हम मल विक्षेप और आवरण अपने दूर करके अपने को निर्मल बनाते हैं तभी हम इस बात के अधिकारी बनते हैं कि परमात्मा में मिल सके। लेकिन मनुष्य चूंकि कर्म हर समय करता रहता है, यह बात भी होनी चाहिए कि आगे हमारे संस्कार न बने, क्योंकि वरना तो गंदगी इकट्ठी होती ही रहेगी। और उसका उपाय भी एक है जिसके लिए महाराज राजा जनक का प्रसंग बड़ा समझने वाला है। एक बार राजा जनक ने यह घोषणा की कि जो मुझे एक मिनट में भगवान के दर्शन करा देगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। अनेक ऋषि आए परंतु वह कार्य पूर्ण न कर पाए और जेल में चले। अंत में अष्टावक्र नाम के ऋषि आए और उन्होंने राजा से कहा कि राजन, यह बहुत बड़ा कार्य तुम करवाना चाहते हो कि एक मिनट में परमात्मा से मिल जाओ, और तुमने इसका मूल्य क्या रखा है? केवल आधा राज्य। तो राजा समझदार था, महाराजा जनक ने कहा कि भगवान पूर्ण राज्य ले लीजिए। तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि संकल्प कर। राजा ने संकल्प कर दिया तो ऋषि बोले कि आप गुरु दक्षिणा पहले दो, तब मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। जैसा हमारा स्वभाव होता है, राजा फौरन बोला कि मंत्री जी कोषागार में से इनको इतना सोना दे। तो ऋषि हंसकर बोले कि वह सब तो मेरा पहले ही हो गया, तुम कुछ अपना दो। उस समय राजा बोले कि अब मेरे पास क्या है, मैं तो सब आपको दे चुका। तो ऋषि ने कहा कि अपना मन मुझे दे। राजा ने संकल्प कर दिया, थोड़ी देर चुप बैठा, फिर बोला कि भगवान अब आप अपना कार्य कीजिए। तो ऋषि बोले कि जब तुमने मन मुझे दे दिया तो विचार कहां से करो, मन का इस्तेमाल बंद करो। राजा जनक संस्कारी तो थे ही, मन को शांत करके बैठ गए। उसी समय जैसे अभी आपने साधना की, गुरु अष्टावक्र जी ने अपनी आत्मा से उनकी आत्मा मिला दी और उनको दर्शन करा। काफी देर दोनों शांत बैठे रहे, फिर जब ऋषि ने कहा कि अब आंख खोलो, तो राजा जनक ने आंख खोली और थोड़ी देर बाद वह खड़े हो गए चलने लगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि फिर तुम गलती कर रहे हो राजन, यह क्या कर रहे हो? तो राजा ने कहा कि मैंने सारा राज्य तो आपको दे दिया, अब मैं कहीं और जाना चाहता हूं। तो बोले कि देखो, तुमने राज मुझे दे दिया, मन भी दे दिया, लेकिन मन का इस्तेमाल अब भी कर रहे। यह विचार तुमको कैसे आया कि मैं कहीं और जाकर, अब तो मन मेरा है,
जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। और अष्टावक्र फिर सिंहासन से उठे, राजा को बोले कि अब इस सिंहासन पर बैठो, जैसे पहले राज करते थे वैसे ही करना। पहले तुम्हारा राज्य था, अब मेरा राज्य है, मेरा राज समझकर कार्य कर। जब हम सारा कुछ अपना जो करते हैं वह गुरु या परमात्मा का समझ के करते हैं तो उस कर्म का संस्कार नहीं बनता। यही दो उपाय हैं जो परमात्मा से हमको मिला है। और फिर 2 मिनट आंख बंद करके गुरु महाराज का ध्यान करें और जो यह नैवेद्य रखा है उनको अर्पण करें और उनसे ऐसी प्रार्थना भी करें कि हमको ऐसी शक्ति दें जिससे कि हम अपना सब कुछ उनको अर्पण कर सकें और उनके इच्छानुसार अपने को चलाएं।